हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, डल स्किन किसी को भी पसंद नहीं होती और हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा हेल्दी रहे, ग्लोइंग दिखे, चेहरे से डलनेस हट जाए और स्किन चमकती रहे। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उन्हें आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सेंट बोटानिका रोबास्टा कॉफी पील ऑफ मास्क और विटामिन सी ब्राइटनिंग नाइट क्रीम की। मैं आपको दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ और अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं सेंट बोटानिका रोबस्टा कॉफी पील ऑफ मास्क के बारे में। इसमें मेनली कॉफी, कैफीन और कोकोआ बटर है और पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल और सल्फेट जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल प्रोडक्ट है। और ये फेस मास्क चेहरे से डीप रूटेड इम्प्योरिटीज एंड डेड स्किन सेल्स को क्लियर करने में अच्छा वर्क करता है। क्लॉग्ड पोर्स को क्लियर कर देता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी क्लियर कर देता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी, नियासिनामाइड, विटामिन ई, एलोवेरा, लेमन पील एंड लिकोरिश एक्सट्रैक्ट है, तो स्किन के नेचुरल रेडियंस को वापस लाता है, स्कार्स को कम करता है, डलनेस चला जाता है और स्किन के नेचुरल मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है। ये ऐसे ट्यूब पैकेजिंग में आता है तो आप हाइजीनिक तरीके से ही प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। और इस फेस पैक की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा रनी है, एग्जैक्ट क्रीमी नहीं कह सकते, इजीली स्प्रेड हो जाता है और फ्रेग्रेंस तो एनर्जाइजिंग है ही, सबको पसंद आएगा। आपको इसे क्लेंस्ड फेस पे अप्लाई करना है, फिर 15 मिनट्स रहने दीजिए और फिर पील ऑफ कर लीजिए। आप इसे हफ्ते में दो बार यूज कर सकते हैं। मैं आज इसे थर्ड टाइम अप्लाई कर रही हूँ और फर्स्ट दो बार यूज करके ही मेरे नोज पे जो थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स थे वो साफ हो गया कम्प्लीटली, व्हाइट हेड्स भी निकल गए हैं। स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रही है, काफी रिफ्रेशिंग फेस पैक है। स्किन को डीपली क्लेंस कर देता है लेकिन स्किन एक्सेसिवली ड्राई भी नहीं लगती है। अगर आपकी स्किन डल टायर्ड दिख रही है, चेहरे पे इंस्टेंट फ्रेशनेस लाना है तो आप इसे यूज करके देख सकते हैं। अलग से नोज ट्रिप भी यूज करना नहीं होगा, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स क्लियर हो जाएंगे इसे यूज करने से। और इस फेस पैक में जो सब इंग्रेडिएंट्स है एक्ने स्कार्स को रिमूव करने में और स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में काफी इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो अब बात करते हैं सेंट बोटानिका विटामिन सी, ई एंड हाइलुरोनिक एसिड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम के बारे में। यह आपकी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, कम्प्लेक्शन को इवन आउट और ब्राइटन अप भी कर देता है। इसमें विटामिन सी, ई एंड हाइलुरोनिक एसिड के अलावा शिया बटर, स्वीट आमंड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मोरक्कन अर्गन ऑयल, ग्रीन टी, मोरिंगा, गुआराना और एलोवेरा भी है। एंड एज ऑलवेज सेंट बोटानिका के इस प्रोडक्ट में भी पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, मिनरल ऑयल और कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है। ये एक क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। ये ऐसे टफ पैकेजिंग में आता है, काफी लग्जूरियस पैकेजिंग है। बॉक्स पे सारे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है,
और टेक्सचर की बात करें तो ये बहुत ही लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी क्रीम है। एक्चुअली जेल एंड क्रीम के बीच में है इसकी कंसिस्टेंसी। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल प्रोडक्ट है और बहुत माइल्ड सिट्रस फ्रेग्रेंस है इस क्रीम में। प्राइस है 1199 रुपीज फॉर 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, बट इस पे डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज चेक कर लेना। और इस क्रीम को ना अप्लाई करने के 2-3 मिनट के अंदर ही कम्प्लीटली अब्सॉर्ब हो जाता है और कोई स्टिकीनेस नहीं रहता। स्किन बिल्कुल स्मूथ फील होती है और बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है स्किन को। इंस्टेंटली एक ग्लो आ जाता है चेहरे पे। और ग्लो प्रोवाइड करने के अलावा अगर कोई स्पॉट है स्किन पे, एक्ने स्कार, पिगमेंटेशन कुछ भी, उसे रिमूव कर देता है बहुत जल्द। इस क्रीम का ये मेरा सेकेंड टब है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रीम मुझे कितना पसंद है। इसे मैंने लास्ट विंटर में यूज किया था और अभी फिर से यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे लिए 2-in-1 प्रोडक्ट है, चेहरे को इवन टोन्ड बनाता है और ग्लो भी वापस लाता है। आप भी इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई करके देख सकते हैं। स्पेशली ये नाइट क्रीम स्किन सॉफ्ट, हाइड्रेटेड, इवन टोन्ड और ग्लोइंग रहेगी, और साथ में अगर ये फेस पैक यूज करते हैं तो स्किन डिटॉक्स भी हो जाएगा। एनीवे, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिएगा, और इस वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।